सिकंदर कालोन की तरफ से। तो इनका एक गाना रिलीज़ हुआ है आज जिसका नाम है नोकिया 3310, और ये जो गाना है ये स्काई 38 के साथ में आया हुआ है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से आ जाके इसको सुन सकते हो। साथ ही अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है लोका की तरफ से। तो लोका का जो यू नो द वाइब सॉन्ग है उसकी ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हो चुकी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसकी। अभी अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है यो यो हनी सिंह की तरफ से। तो यो यो हनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला, आप देख सकते हो अल्फाज के साथ उन्होंने ये फोटो शेयर किया हुआ है, और उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है फाइनल रिकॉर्डिंग सेशन ऑफ माई लिल ब्रदर अल्फाज नेक्स्ट सिंगल विथ मी कसमानू का कमिंग सून। तो यहाँ पर यो यो हनी सिंह और अल्फाज का हमको एक बार फिर एक गाना देखने के लिए मिलने वाला है। आपको पता होगा यो यो हनी सिंह और अल्फाज का जो सॉन्ग है हाय मेरा दिल वो कितना चला था उस समय पे, और शायद से उसी टाइप का सॉन्ग अब आने वाला हो। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना, और आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हो। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है बादशाह की तरफ से। तो बादशाह अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने वाले हैं। बादशाह ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में क्या कहा हुआ है आप खुद सुन सकते हो। And you deserve to know it because you know how much I respect you. I am planning to go independent very soon. Fully? Fully. Like from top to bottom, everything you do? Everything. I don't know how it's going to turn out for me. And that's why, see, this album couldn't, nobody could share this dream with me, right? और इस न्यूज़ का क्रेडिट जाता है एक इंस्टाग्राम पे पेज है जिसका नाम है देसी हिप हॉप गर्ल। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इनको विजिट कर सकते हो। और साथ ही इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है ब्रदर वी की तरफ से। तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जिसमें कि इन्होंने लिखा हुआ था रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं हैशटैग कॉन्सिस्टेंटली। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है डीनो जेम्स की तरफ से। तो डीनो जेम्स अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए हुए थे, और उन्होंने वहाँ पे अपने अपकमिंग सॉन्ग के बारे में बताया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि 3 सॉन्ग उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं और एक के बाद हमको एक देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इन तीनों सॉन्ग पे डीनो जेम्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है, उन्होंने खुद कहा हुआ है। अगर वो लाइव आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है मुक्ता के की तरफ से। तो मुक्ता के और सिटी साह का हमको जल्दी एक कोलैब सॉन्ग देखने के लिए मिलने वाला है। इन दोनों ने कुछ स्टोरीज शेयर की हुई है, आप देख सकते हो, और उस पर उन्होंने लिखा भी हुआ है कुकिंग। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो एमसी स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था मैं तो 2021 का वेट कर रहा हूं ऑन गोल्ड। तो हो सकता है अब एमसी स्टैन के हमको सॉन्ग 2021 में ही देखने के लिए मिले, या फिर और कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमीवे की तरफ से। तो एमीवे ने अपने इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाली हुई है उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है सरप्राइज गिफ्ट सबके लिए आ रहा है 13 नवंबर मचाते हैं, और उन्होंने स्वालिना के साथ में ये फोटो डाला हुआ है। और साथ ही जो स्वालिना है उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पे ये फोटो डाला हुआ है, और उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है 13 नवंबर को क्या है दो चीज, उसमें से एक के लिए हिंट ये फोटो, सेकंड वन गैस कर लो। यहाँ पर ये जो फोटो है ये एमीवे और स्वालिना का जो सॉन्ग आ रहा है उसी का हिंट है, और यहाँ पर सेकंड ये कि एमीवे का 13 नवंबर को बर्थडे भी है, और एमीवे मतलब की हर बार अलग करते हैं कुछ। तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।